हेलो स्टैंडर्ड 9th, वेलकम टू एस एस क्लास एंड वी आर ऑन द लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 12. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट सीक्रेट बैलेट इन डेमोक्रेसी एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल पार्टीज. इंडिया इज अ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी एंड हेंस वी हैव वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज. स्पेसिफिक क्राइटेरिया आर फिक्स्ड बाय द इलेक्शन कमीशन टू वैलिडेट एनी पॉलिटिकल पार्टी. Political parties are classified either into national party or regional party based on certain specific policies and criteria decided by the election commission. As per this, a party that secure more than 4% of the total votes in the previous general election in at least 4 major states is identified as national party and the rest are identified as regional parties. As per the information given by the election commission by March 10, 2014, a total of 1593 national parties were registered and last year 239 parties were added. तो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, इनका एक क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है इलेक्शन कमीशन ने. पॉलिटिकल पार्टी वैलिडेट कैसे मानी जाती है, इनको या तो नेशनल पार्टी के टॉप में या फिर रीजनल पार्टी के, मतलब ऐसे क्लासिफिकेशन है इनका. स्पेसिफिक पॉलिसीज है, क्राइटेरिया है जो इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड. एज पर दिस पार्टी, जो पार्टी 4% ऑफ द टोटल वोट से ज़्यादा सिक्योर करती है प्रीवियस या जनरल इलेक्शन जो हुए थे और एटलीस्ट 4 मेजर स्टेट्स में, तो उस पार्टी को नेशनल पार्टी का आइडेंटिफिकेशन दिया जाता है और दूसरी जो पार्टीज है उनको रीजनल पार्टीज का आइडेंटिफिकेशन दिया जाता है. और इलेक्शन कमीशन 10th मार्च 2014 में बताया था 1593 नेशनल पार्टीज थी, रजिस्ट्रेशन हुआ था और उसमें 239 पार्टीज और ऐड हुई. अब इन अवर कंट्री इंडिया नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, ये 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है, नेशनल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी. फिर उसके बाद है बहुजन समाजवाद पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, CPIM, नेशनल कांग्रेस पार्टी और अदर नेशनल पार्टीज. अपार्ट फ्रॉम दिस द शिवसेना, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्राविड़ा मुनेत्रा कलाग्राम, ऑल इंडिया अन्ना द्राविड़ मुनेत्रा कलाग्राम, आम आदमी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल RJD आर रीजनल पार्टीज एंड बेस्ड ऑन द स्पेसिफाइड क्राइटेरिया एनी नेशनल पार्टी कैन लूज इट्स स्टेटस और एनी रीजनल पार्टी कैन गेन द स्टेटस ऑफ नेशनल पार्टी डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेंड बाय द पार्टी. तो इनका स्टेटस चेंज हो सकता है, स्पेसिफिक क्राइटेरिया को फुलफिल अगर नहीं करते तो उनका जो नेशनल पार्टी वो रीजनल पार्टी बन सकती है और जो रीजनल पार्टी वो नेशनल पार्टी बन सकती है. डिपेंड्स कि वो कितने नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन करते हैं. और द पार्टी फॉर्मिंग द गवर्नमेंट इज नोन एज द रूलिंग पार्टी एंड द पार्टी विच फॉर्म्स द ऑपोजिशन इज कॉल्ड द ऑपोजिशन पार्टी. तो जो पार्टी मतलब कि गवर्नमेंट फॉर्म करती है उसे रूलिंग पार्टी कहते हैं और जो ऑपोजिशन में खड़ी होती है उसे ऑपोजिशन पार्टी कहते हैं. तो ऑपोजिशन पार्टी प्ले हेल्प फ्रॉम पब्लिक ओपिनियन बाय डेमोक्रेटिकली अपोजिंग द ऑब्जेक्शनेबल प्लान्स एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. ऑपोजिशन पार्टी का मेन काम क्या होता है, मतलब पब्लिक ओपिनियन को डेमोक्रेटिक वे में अपोज कर, ऑब्जेक्शन मतलब कि जो कोई भी पॉलिसी जो रूलिंग पार्टी है उसकी जो कोई पॉलिसीज है और वो उन्हें सही नहीं लगती है तो उसका ऑब्जेक्शन उठाते हैं. बट इन हेल्दी डेमोक्रेसी इट इज़ डिजायरेबल दैट ऑपोजिशन पार्टी सपोर्ट्स द सोशल एंड पब्लिक कॉजेज ऑफ द रूलिंग पार्टी. पर इन डेमोक्रेसी ऐसा होता है कि जो ऑपोजिशन पार्टी है वो रूलिंग पार्टी को सपोर्ट करे सोशल और पब्लिक कॉजेज में, जहाँ पे वेलफेयर ऑफ द नेशन एक मेन एम रखते हैं. सो द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन अ बैलेंस्ड रिलेशनशिप बिटवीन द रूलिंग पार्टी एंड ऑपोजिशन पार्टी. तो सक्सेस जो है डेमोक्रेसी का बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो रिलेशनशिप बैलेंस रहती है रूलिंग पार्टी और अपोजिंग पार्टी की. इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन पार्टी इज प्री रिक्वेस्टी ऑफ गुड डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी इज लाइक अ चेरियोट. रूलिंग पार्टी एंड द अपोजिंग पार्टी आर द टू व्हील्स ऑफ द चेरियोट. तो इफेक्टिव और स्ट्रांग ऑपोजिशन पार्टी एक रिक्वायरमेंट है, प्री रिक्वेस्टी है गुड डेमोक्रेसी की. एक अच्छा लोकतंत्र कब चल सकता है, जब ऑपोजिशन पार्टी भी स्ट्रांग और इफेक्टिव हो. और डेमोक्रेसी एक तरह से रथ है जिसके दो पहिए हैं, रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी.
और एक दोनों पहियों को साथ में अच्छे से चलना है, देन ओनली द एम्स विच आर सेट कैन बी अचीव. आई होप सो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर. एंड नाउ आई एम टेलिंग यू टू राइट डाउन द क्वेश्चन आंसर्स इन योर वर्कबुक रिलेटेड टू दिस चैप्टर. वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे.